Guys, please subscribe to our channel and also click the bell icon so you never miss a video of Simplicity. Hey guys, welcome and welcome back to my channel Simplicity. And आज मैं review करूँगी एक बहुत ज़्यादा hype product की, जो कि है liquid illuminator, जो कि आजकल market में बहुत ज़्यादा hyped है. And मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा affordable and good quality liquid illuminator. तो चलिए आज की video हम start करते हैं. But video में जाने से पहले make sure आप जानते ही हूँ मैं क्या कहने वाली हूँ. यस, वो है इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आया तो शेयर कर देना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, रेड बटन को हिट कर देना, बिल्कुल फ्री है. एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर देना, वो भी बिल्कुल फ्री है. एंड नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल कर दीजिए ताकि आप मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे. तो आज हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में. एंड ये है स्विस ब्यूटी की पर्ल इल्यूमिनेटर. ये एक लिक्विड हाइलाइटर या फिर इल्यूमिनेटर कह सकते हो. एंड यहाँ पर लिखा हुआ है पर्ल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस. यस, इसे आप एज अपने मेकअप बेस की तरह या फिर फाउंडेशन में मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो. मतलब एज अ मेकअप स्टार्ट करने से पहले मॉइस्चराइजर की बात या फिर फाउंडेशन के साथ मिक्स करके आप लगा सकते हो. एंड मेरे पास जो शेड है वो है 01 गोल्ड पिंक. यस, इसमें आपको दो शेड मिल जाती हैं, एक 01 गोल्ड पिंक एंड एक 02 सिल्वर पिंक. तो मैं जहाँ से ख़रीदती हूँ, मैंने ऑब्वियसली से मेरे लोकल स्टोर से ही ख़रीदी है, हाथी बागान में से. तो वहाँ के जो शॉपकीपर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, जो अंकल हैं वो बहुत अच्छे हैं. एंड उन्होंने मुझे एक्चुअली रेफ़र किया कि मैं ये 01 ख़रीदूँ गोल्डन पिंक, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी शिमर पार्टिकल्स नहीं है, चंकी पार्टिकल्स नहीं है, सिर्फ एक ग्लो मिलती है आपको, बहुत ही स्मूथ ग्लो, जो कि हमारे इंडियन स्किन टोन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है. अगर आप सिल्वर ख़रीदना चाहो तो, अगर आप फेयर स्किन टोन के हो तो आप डेफिनेटली सिल्वर ख़रीद सकते हो, पर उसमें शिमर पार्टिकल्स है. एंड मैं एक्चुअली गई थी 02 सिल्वर पिंक ख़रीदते, क्योंकि मुझे गोल्डन ज़्यादा पसंद नहीं है एंड मेरे स्किन टोन में सूट भी नहीं करती है गोल्डन, थोड़ी सी डार्क दिखती है. पर इसके साथ बिल्कुल भी ऐसे बात नहीं है, मैं वीडियो में डेमो दिखाऊंगी, आप लोग देख लेना. एंड जो 02 है उसमें थोड़ी सी चंकी ग्लिटर है. मैंने वहाँ पे दुकान पे खड़े होकर मैंने ब्लेंड भी की थी एंड मैंने देखा कि जो ग्लो है वो चला गया है और सिर्फ ग्लिटर चंक जो है वो रह गया है. तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने वो नहीं ख़रीदी, मैंने ये 01 ख़रीदी है. एंड इसके जो एक्चुअल प्राइस है, मैन्युफैक्चरिंग एंड जो एक्सपायरी है, सब कुछ इसके पीछे बैक साइड में मेंशन है. यहाँ पे आपको मिल जाती है फुल ऑन इंग्रेडिएंट लिस्ट. एंड यस, इसमें पैराबिन है, इसमें मिथाइल पैराबिन है, ग्लिसरिन है, वाटर है, मीका है, मिनरल ऑयल भी इसमें है. जिन लोगों को इन सब से प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि इसमें जो है वो मिनरल ऑयल भी है एंड मिथाइल पैराबिन भी है. इसकी जो MRP है वो है 249 rupees. ऑब्वियसली ये आपकी लोकल मार्केट में इजीली बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी. एंड ये आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी, नायका में, फ्लिपकार्ट में, कप्स एंड लैसेस में, या फिर पर्पल पे भी मिल सकती है, क्योंकि पर्पल पे भी स्विस ब्यूटी की प्रोडक्ट अवेलेबल है. तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, शायद आपको मिल जाए. एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये है कुछ इसकी इनर पैकेजिंग, बहुत ही अच्छी है इनर पैकेजिंग एक्चुअली में, बहुत ही अच्छी है. एंड स्विस ब्यूटी की पैकेजिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, सच में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग करती है. इतने अफोर्डेबल रेंज में भी उन्होंने पैकेजिंग के साथ बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है, बहुत ही ऑम्ब्रेश काइंड ऑफ अ पैकेजिंग है. इट लुक्स गुड एंड आप इसे ईजिली आपकी जो पर्स बैग है वहाँ पर कैरी कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी. आपकी जो शेड है वो यहाँ पर बैक पे एक स्टिकर में मैंशन है, 01 गोल्डन पिंक. इसमें MRP, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी सब कुछ मेंशन है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है. अगर आप इसकी जो आउटर कार्टन है उसे फेंक भी दो तब भी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ यहाँ बैक पे ऑलरेडी मेंशन है. अब मैं दिखाती हूँ इसकी स्वॉच, मैं थोड़ी सी लूँगी एंड आपको दिखाऊँगी कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी, ये नेचुरल विद इन काइंड ऑफ अ ग्लो देती है. यस, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी इसमें हार्स चंकी ग्लिटर नहीं है, सिर्फ एक विद इन काइंड ऑफ अ ग्लो है, जो कि आप विदाउट मेकअप विद मेकअप भी यूज़ कर सकते हो. बट एज अ टॉपर की तरह आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बीमिंग भी नहीं है कि आप इसे एज अ टॉपर की तरह यूज़ करो, पर चाहो तो आप कर सकते हो. एंड इसमें एक बहुत ही अच्छी
फ्रेग्रेंस है, फेयर एंड लवली काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस है वो। फ्रेग्रेंस इसकी थोड़ी सी स्ट्रांग है बट मेरे ख्याल से ये आपको बॉदर नहीं करेगी क्योंकि बहुत ही जल्दी इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो उठ जाती है। सो ये थी प्रोडक्ट की डिटेल्स, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किए हैं, आई नो ये बहुत दिनों से मार्केट में है, बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किए हैं बट मैंने कभी ट्राई नहीं की थी, तो इसीलिए मैंने मेरी जो थॉट्स हैं वो शेयर की हैं। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो। बहुत ही लाइट वेट फार्मूला है, बिल्कुल भी आपकी स्किन को स्वेटी नहीं बनाएगी। एंड सबसे अच्छी बात, आप इसे विदाउट मेकअप भी लगा सकते हो। बट एक जो टिप्स मैं देने की कोशिश करूँगी यहाँ पर वो है कि अगर आपकी फेस में फेशियल हेयर है तो आप इसे सिर्फ मत यूज़ करना, क्योंकि जो हाइलाइटिंग पार्टिकल्स होती है, कुछ भी इल्यूमिनेटिंग चीज़ अगर आप लगाते हो तो जो फेशियल हेयर हैं या फिर अगर हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा बम्स है तो उसे बहुत ज़्यादा हाइलाइट कर देती है, जो कि बिल्कुल ही दिखने में अच्छी नहीं लगती है, खासकर पर्सन टू पर्सन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसे क्रीम में यूज़ करके, डाइल्यूट करके, मतलब क्रीम के साथ मिक्स करके थोड़ी सी डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हो, तब भी ये आपको बहुत ही अच्छी काइंड ऑफ अ ग्लो देगी। ऑयल स्किन भी चाहो तो थोड़ी बहुत यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल भी यू नो स्वेटी नहीं बनाएगी, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाएगी आप लोगों को, बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड वाटरी काइंड ऑफ अ फॉर्मूला है। बट यस, ये थोड़ी सी स्टिकी है, जब आप हैंड पर लगा रहे हो तब आपको समझ में नहीं आ रही है, जब आप लिटिल क्वान्टिटी में लगा रहे हो, बट अगर आपने थोड़ी सी ज़्यादा लगाई है एंड आप फेस में लगाते हो तो यस आपको ये फील होगी कि ये थोड़ी सी स्टिकी है। आज मैंने बेस के लिए यही मतलब इसी प्रोडक्ट को यूज़ किया है मेरे बेस में, तो ये थोड़ी सी स्टिकी लग रही है, आप देख सकते हो। यस, ये फेस में थोड़ी सी ज़्यादा स्टिकी लग रही है, तो इसके ऊपर आपकी फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से ग्रिप हो जाएगी क्योंकि जो स्टिकी चीज़ है वो हमारी फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड करने में काम आते हैं। सो गाइस, ये थी आज की मेरी इन डेप्थ रिव्यू एंड डेमो। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो एंड हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड प्लीज़ रेड सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए। एंड ये सितंबर मंथ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, मेरी बर्थडे मंथ है एंड मेरी बर्थडे है 13th of September में, तो मैं मेरी बर्थडे की पहले ही कोशिश करूँगी कि आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी इस तरीके की वीडियो ला सकूँ। एंड ये आई लुक अगर पसंद आया आप लोगों को तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं मेकअप ट्यूटोरियल एंड बहुत ज़्यादा फ़ोटो शेयर करती हूँ एंड आप लोगों की DMs के भी आंसर करती हूँ डिटेल में। यहाँ पर भी कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी भी आंसर करती हूँ। तो चलिए, मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बहुत अच्छे से रहिए।